हाय, क्या हो? तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला क्या? मैं जानता था, जैसे ही मुझे पता चला कि मलिका सिंघानिया इस कॉन्ट्रैक्ट में तुम्हारे मुकाबले पर है, तो मुझे पता था कि ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें नहीं उसे ही मिलने वाला। पर मैं तुमसे कहकर तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता था। खैर संजना, अब जो हो गया सो हो गया, अब मूड खराब करके क्या फायदा? हाँ, तुमसे किसने कहा कि मेरा मूड खराब है? इनफैक्ट आई हैव मेरा सुपर मूड। सुपर मूड क्या मतलब? मतलब ये कि मिस्टर कबीर गिल, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। मिल गया? लेकिन तुमने अभी अभी मुझसे कहा कि... मैंने कब कुछ कहा? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, तुमने खुद अज्यूम कर लिया। हाँ, लेकिन मैंने तुम्हें टोका नहीं बस। तुम ना एक नंबर की बदमाश, और तुम कभी नहीं सुधरोगी संजना। हाँ, और मैं सुधरना भी नहीं चाहती। पर मुझे ये बताओ, ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें मिला कैसे संजना? कबीर, मल्लिका की वजह से। यू नो समथिंग, जब उसे पता चला ना कि इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए सिर्फ हम दोनों में ही मुकाबला है, तो वो खुद ब खुद रास्ते से हट गई। Isn't she amazing? सच? मुझे नहीं पता था ये मल्लिका इतनी दरिया दिल इंसान है। कबीर, मल्लिका इज एन अमेजिंग वुमन। आज मैं बहुत खुश हूँ, सिर्फ इसीलिए नहीं कि मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है, बल्कि इसीलिए कि मुझे मल्लिका जैसी एक अच्छी दोस्त मिली है। एंड कबीर, अगर सब कुछ अच्छी तरह से चला ना, तो बहुत जल्द वो हमारी बिजनेस एसोसिएट भी हो सकती है। हमारी बिजनेस एसोसिएट? रियली? यस, रियली। एंड यू नो समथिंग, दोस्तों के साथ बिजनेस करने का मजा ही कुछ अलग है। अरे अगर वो दोस्त मल्लिका सिंघानिया हो तो फायदा भी बहुत है कबीर। अरे चलो, वो मजे तो हम बाद में ले लेंगे, अब तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला है संजना, लेट्स गो एंड सेलिब्रेट यार। लेट्स सेलिब्रेट। ठीक है, थैंक्स। मल्लिका? जी दीदी। कल चैटर्जी के ऑफिस में क्या हुआ था? दीदी, जब आप जानती हैं तो फिर पूछ क्यों रही हैं? तुमने ये ऑर्डर संजना को क्यों दिलाया? तुम तो इतने अरसे से उसे नीचा दिखाना चाहती थी ना, तो फिर जब मौका हाथ आया तो उसे जाने क्यों दिया? दीदी, मैं मानती हूँ संजना को नीचा दिखाने का ये मौका बहुत अच्छा था, मगर इस कॉन्ट्रैक्ट को पाकर हमें उतना फायदा नहीं होगा जितना संजना को ये कॉन्ट्रैक्ट मिलने से हमें होगा। वो कैसे? अगर संजना को ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता तो सिर्फ उससे होने वाले मुनाफे का नुकसान होता उसे, मगर अब इस सप्लाई को पूरा करने के लिए उसकी कंपनी इतना बड़ा घाटा उठाएगी कि दोबारा मार्केट में कभी खड़ी नहीं हो पाएगी। SSK एंटरप्राइजेस पर हमेशा के लिए ताला लग जाएगा। पर ये होगा कैसे? आप बस देखती चाहिए दीदी, कैसे मैं संजना के मुनाफे को घाटे में बदलूं। इस कॉन्ट्रैक्ट से अगर किसी को फायदा होगा तो सिर्फ मुझे। तो आ गई? आज भी रूपाली के यहाँ पढ़ाई वढ़ाई की है, सिर्फ मस्ती की? इसका मतलब भैया का फोन नहीं आया। थैंक गॉड, मैं बाल बाल बच गई। क्या पूछ रही हूँ मैं? हाँ मम्मा, मैं याद कर रही थी कि हम लोगों ने कौन कौन से चैप्टर्स किए। हेलो, कौन? क्या? लेकिन तुमसे किसने? कौन? उर्वशी? अच्छा ठीक है, राहुल भैया का ही फोन है, मेरी रक्षा करना भगवान प्लीज।
मैं बात कर लूंगी ऋषि से। मम्मा वो आप तुम कहीं नहीं जाओगी। भारवी का फोन आया था, उसके जोड़ों का दर्द बढ़ गया है, उसके घर जाकर उसकी दवा पहुंचा करा ले। मैं अभी आती हूँ। बच गए। हेलो खुशी, मैं संजना बोल रही हूँ। हाँ संजना बोलो, कैसी हो तुम? अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। You know something खुशी? I have some great news for you। क्या? मैंने हमारे कंपनी का सबसे बड़ा डील साइन किया है। You know something? ये डील crores में है, crores। अच्छा। अब हमारा माल इंटरनेशनल मार्केट में भी बिकेगा, दुबई, बहरीन, पूरे गल्फ में। है ना ग्रेट न्यूज? है तो। अरे मैं तुम्हें इतनी बड़ी खुशखबरी सुना रही हूँ और तुम सिर्फ हाँ ऐसे कह रही हो। क्या बात है, तुम खुश नहीं हो? नहीं संजना, ऐसी कोई बात नहीं। अरे बाबा देखो, ये डील हमारे फायदे के लिए ही है। और अगर तुम्हें कोई डाउट है ना, मैं सारा पेपर वर्क तुम्हारे पास भिजवा देती हूँ, तुम उन्हें चेक कर लेना। इज दैट फाइन विद यू? कैसी बातें कर रही हो संजना? हम जानते हैं तुम जो कुछ भी करोगी सोच समझ कर ही करोगी। एक्चुअली बात कुछ और है। क्या बात है खुशी? अरे बताओ ना, कहीं मम्मा को तो? संजना मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर हमें ठीक तरह से कुछ नहीं बता रहे, हमें बहुत डर लग रहा है। संजू खुशी प्लीज रो मत, घबराओ मत, कल मम्मा की एंजियोग्राफी है, उसी के बाद ही पता चलेगा कि मम्मा की एक्चुअल कंडीशन क्या है। यू डोंट वरी एट ऑल, हम लोग मम्मा का इलाज इंडिया के सबसे बड़े स्पेशलिस्ट से करवाएंगे, लेकिन हम मम्मा को ठीक करवा के ही रहेंगे। मैं आज ही दिल्ली पहुंच रही हूँ। नहीं नहीं संजना, तुम्हें दिल्ली आने की कोई जरूरत नहीं है। खुशी जरूरत है, मम्मा को मेरी जरूरत है और तुम्हें भी मेरी जरूरत है। मम्मा को इस वक्त अच्छे डॉक्टर्स की जरूरत है जो इस वक्त उनका इलाज कर रहे हैं। तुम तो हमें जानती हो ना संजना, हम छोटी सी बात का बतंगड़ बना देते हैं। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मम्मा जल्दी ठीक हो जाएंगे। खुशी प्लीज, मैं दिल्ली आ रही हूँ बस। नहीं, हम में से किसी एक का मुंबई में होना बहुत जरूरी है, वरना हमारा पूरा काम ठप हो जाएगा संजना। लेकिन खुशी इस वक्त मेरा मम्मा के साथ होना बहुत जरूरी है। मम्मा के साथ उनकी एक बेटी है, अगर एक बेटी उनकी देखभाल करेगी तो दूसरी बेटी बिजनेस संभालेगी। अगर मम्मा कह सकती तो यही कह दी संजना। अच्छा ठीक है, फोन करती रहना, हमारा हौसला बढ़ता है। तुम्हारे फोन करने से हम अकेलापन नहीं महसूस करते। मैं फोन करती रहूंगी। और सुनो, मम्मा का ख्याल रखना। ओके बाय। यार माना कि तू अपने बिजनेस में बहुत बिजी है, पर उसका मतलब ये थोड़ी कि तेरे पास दोस्तों के मिलने का टाइम नहीं है। अरे मिलना तो दूर, तेरे पास तो हमारी शक्ल देखने की फुर्सत नहीं है। ऐसी बात नहीं है यार। अरे क्या ऐसी बात नहीं है यार, अगर आज मैं तुझसे मिलने नहीं आया होता ना तो तू मेरी शक्ल ही भूल गया होता, और फिर ऐसा होता कि रास्ते में एक दिन मिलता और तुझसे पूछता, भाई साहब आपको कहीं देखा है, कहीं आप विशाल गिल तो नहीं? मैं नाटक बंद कर। अरे बोला ना मैंने पापा गलती हो गई, अब नहीं होगी। तू वाकई शर्मिंदा है? बोला ना। देन प्रूव इट, आज रात को डिस्कोथेक चलते हैं। यार वैसे भी मुद्दत है हो गई डिस्को में। अरे पापा मैं कैसे आ सकता हूँ यार, खुशी भी डली गई हुई है। अरे यार जैसे मैं आऊंगा, मेरी बीवी भी तो मायके गई हुई है। देख काम करता हूँ, पुराने दोस्तों को फोन करता हूँ। यार आज चलते हैं डिस्को, कुछ धमाल करते हैं। ठीक है। डन डन। ये बच्चे लोग गेट के बाहर नहीं जाना, खेलना है तो गार्डन में खेलना। अरे तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो, क्लास में नहीं जाना? आंटी अभी तो रिसेस है, क्लास काम है। अरे हाँ मैं भी कितनी बुद्धू हूँ, है ना? नहीं आंटी आप बुद्धू नहीं हो, आप तो हमारी आंटी हो, जो हमें अच्छी अच्छी चीजें खिलाती है। आंटी आप आइसक्रीम लेकर बोलो। चुप, सॉरी आंटी, इसे हर वक्त भूख लगती रहती है। कोई बात नहीं खाने दो ना। अच्छा ये बताओ तुम लोगों की कैंटीन कहाँ है? उस तरफ। उस तरफ चलो चलो।
चलो 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 चलो। मैं मम्मी को बहुत ही मिस कर रही हूँ। हाँ, मम्मी जब से नानी के पास गई है हम कहीं नहीं गए। हर हफ्ते मम्मी हमें घुमाने ले जाती थी। अच्छा, मैं तुम्हारी मम्मी तो नहीं बन सकती। हाँ, मगर तुम्हें घुमाने जरूर ले जा सकती हूँ। सच्ची? ऐसा करते हैं, हम सब पिकनिक पर चलते हैं, वहाँ हम सब खूब एंजॉय करेंगे। आप हमें पिकनिक पर ले जाएंगी? हाँ, अगर आप लोग मेरे साथ चलना चाहें तो। हम जरूर जाएंगे, पापा तो अकेले पड़ जाएंगे ना। आइडिया, हम पापा को भी साथ ले जाएं? हाँ, अगर तुम्हारे पापा मेरे साथ चलना चाहें तो। क्यों? मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ। हाँ, मुझे ये आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है। चलो 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 सनी, चलो सनी, चलो अंकल का आइसक्रीम मंगा के मम्मा। चलो चलो। ओफो, कहाँ जा सकते मेरे झुमके? यहाँ पर भी नहीं है। यहाँ भी नहीं है। कहाँ रख बैठी? कहीं आशीष की सेफ में तो नहीं? उन्हें हमेशा महंगी चीजें संभालने की आदत है, उसी में हूँ। इसकी चाबी यहीं तो रखी थी आशीष ने। आशीष भी ना। खैर, मैं अपनी डुप्लीकेट से खोल लेती हूँ। कहीं आशीष को बुरा तो नहीं लगेगा कि मैंने उनका सेफ, लेकिन झुमके तो मेरे ही हैं। यहाँ पर भी नहीं है। फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट रुपीस 1 लाख, अनदर 1 लाख, 1 लाख मोर आशीष के सेफ में। आशीष तो हमेशा कहते थे कि उनके पास कोई पैसा नहीं, तो फिर ये पैसे उनके पास कहां से आए? हेलो, हेलो, बोलते क्यों नहीं हो? मामा। राहुल? हाँ मामा, राहुल बोल रहा हूँ। क्यों फोन किया था? मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मामा, एक मिनट के लिए मेरी बात सुन लो मामा। अब रही क्या गया है कहने सुनने को? हमारे मुंह पर जो तुमने गाली बोती है, मैं चाहू तो भी तुम्हें माफ नहीं कर सकती, कभी नहीं। मैडम, मैंने ऑलरेडी एसएसके एंटरप्राइजेस में अपना एक आदमी काम पे लगवा दिया है। संजना गिल की कंपनी में कब क्या हो रहा है इसकी पूरी खबर वो हमें देता रहेगा। गुड, वेरी गुड। मिस्टर चैटर्जी के यहाँ माल सप्लाई करने के लिए अब तक कितनी तैयारियां हो चुकी हैं? एसएसके एंटरप्राइजेस। मैडम, उन्होंने अपनी सिलवासा वाली फैक्ट्री में प्रोडक्शन बढ़ाने का फैसला किया है। इसके लिए उन्होंने विदेशों से नई मशीनरीज मंगाई हैं
वर्कर्स की तादाद बढ़ाई है और अपने सप्लायर्स को न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स भी दिए हैं। इन सब में अब तक कितना खर्चा हुआ है उनका? करीब 20 लाख। बस सिर्फ 20 लाख रुपए? मैडम ये तो अभी शुरुआत है, जब तक नई मशीनें आएंगी काम शुरू होगा, तब तक उनका करीब 1.5-2 करोड़ रुपया तो लग ही चुका होगा। ये काम शुरू कब तक होगा? 15 दिन। वेरी गुड मिस्टर साहब, अगले 15 दिनों में SSK एंटरप्राइजेस में जो कुछ भी हो रहा है उसकी पूरी न्यूज आकर आप मुझे देंगे, और जब उनका पूरा रुपया लग चुका हो तब मैं आपको बताऊंगी कि उनके बढ़ते हुए कदमों को किस तलवार से और कैसे काटना है। राइट संजना कबीर। अरे यार बीवी बाहर गई है लेकिन फिर तो शादी शुदा ना। नहीं यार देखने के लिए कह रहे हैं, शादी करने के लिए कह रहे हैं। मलिका अबे तू क्यों हंस रहा है? सीटी वीटी गुल हो गई ना जनाब की? सीटी नहीं घूमी यार, मैं से जानता हूँ कि मलिका है। थैंक्स है झूठ बोल। अरे ये लड़की हर हफ्ते डिस्को आती है और सिर्फ लड़कियों के साथ आती है, लड़कों के साथ इसका कोई लेना देना नहीं, मैं जानता हूँ। ये रीजन नहीं है, वो लोगों के साथ मिक्स होना पसंद नहीं करती, उससे बात करना पसंद नहीं करती। वन सेकंड प्लीज। मिस्टर विशाल गिल, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। इवन आई एम सरप्राइज। आप यहाँ कैसे? मैं यहाँ नहीं आ सकती। बिल्कुल आ सकती हूँ। यू लुकिंग सो डिफरेंट। या बिकॉज़ आई एम नॉट इन माय वर्किंग क्लोथ्स। जानती हैं जितनी बार भी आपसे मिला हूँ हर बार आपको एक नए रूप में देखा है। कितने रूप हैं आपके? जान जाएंगे तो मेरे करीब नहीं आएंगे। वाकई मीट माय फ्रेंड्स, दिस इज प्रीति, दिस इज डिंपल। Hi. Hi, Mr. Vishal Gill. I'll introduce you to my friends. Sure. Guys, let me introduce you to Mallika, Hello. Preeti, and Dimple. Hi. And you guys, can I introduce yourself? Mallika, can I offer you something? Whiskey, beer? I don't drink. Lekin kyun? Kyunki sharab peene se insaan apne hosh khoya karta hai. और मैं अपनी होश नहीं खोना चाहूँगी। हाँ अगर कोई ऐसी ड्रिंक हो जिससे होश सही सलामत रहे, कैन आई डोंट नो। लेकिन आप होश खोने से इतना घबराती क्यों? क्योंकि मेरे सीने में सही रास्ता। मिस्ट्री वुमन ना? एनीवे आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ मॉकटेल फॉर यू, राइट? वन मॉकटेल। जब तक ड्रिंक बनती है, वुड यू लाइक टू डांस विद मी? I don't dance. Sorry, मैं तो भूल ही गया था कि आप नाचती नहीं बल्कि नचाती हैं। You're right. You know,
treat these guys, no? They don't believe in wasting time, huh? At least you're going to have something, right? No, thanks. Come on, Malika. आप शराब नहीं पीती, आप डांस नहीं करती, अब ये मत कहिएगा कि आप खाती भी नहीं है, हाँ? नहीं ऐसे तो नहीं, तो लोगों को खाता हुआ देख, आपका पेट भर जाता? That's right. But anyway, got the point. At least आप कुछ खाएंगे जरूर. मैं अभी लेकर आता हूँ, right? चल बाजूट बाजूट साइड चल चल आगे चल हट जाओ राजीव बाहर निकल मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा बाहर निकल अबे रुक जाओ अबे रुक जाओ अबे राजीव रुक जा भाग मत आए राजीव कहाँ छुप रहा है तू